अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टेटिस्टिक्स में मीन, मेडियन एंड मोड के टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ये ग्रुप डेटा में हम सीखेंगे कि मीन और मेडियन एंड मोड किस तरह मालूम किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है बीकॉम पार्ट वन के बिजनेस मैथमेटिक्स में, ये सवाल दिया गया था 2019 में, और स्टेटिस्टिक्स में तकरीबन मीन, मेडियन एंड मोड से रिलेटेड सवालात ग्रेजुएशन लेवल पर ग्रुप डेटा पर मुश्तमिल जो सवालात होते हैं वो उमूमन आते रहते हैं। इसलिए आज आप चूँकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीन, मेडियन एंड मोड का पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, आज आप ग्रुप डेटा में जो है ये तरीक़ेकार सीखेंगे कि क्या फार्मूला इस्तेमाल करके हम आसानी से मीन एंड मेडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट आपको जो है वो डेटा के दिए हुए हैं, एक एट्रीब्यूट है वेट का और दूसरा एट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी का है। सपोज़ करें कि इसने यूं तस्वर किया है कि 40 से 49 किलोग्राम तक जिन बच्चों का वेट है इनकी तादाद इसने दी है 6। इस तादाद को आप फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। फिर इसी को अगर फिर नेक्स्ट कॉलम में आप आएँ तो ये टेबल देख रहे हैं आप, 50 से 59 तक के बच्चों की जो तादाद है, यानी 50 किलोग्राम से 59 किलोग्राम तक जिनका वेट है इनकी तादाद है 8। फिर 60 से 69 किलोग्राम जिनका वेट है उनकी तादाद है 12। 70 से 79 किलोग्राम तक जिन बच्चों का वेट है इनकी तादाद है 49। सो ये डेटा दी हुई है, आप देख रहे हैं। अब डेटा को थोड़ा आपने ये इस तरह समझ लिया, अब हम चलते हैं कि आपने क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने ये जो जिसको वेट लिखा है इसे आप सपोज़ करते हैं एक्स तस्वर कर लेते हैं, आपने कॉलम में लिखा, यानी इसको क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है इसके सामने दूसरे कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी शो कर दी, और तीसरे कॉलम में आपने क्लास बाउंड्री शो करनी होगी। और एक्चुअली आप ये क्लास इंटरवल जो आप लिख रहे हैं इसको आप एक्स भी तस्वर कर सकते हैं, सपोज़ करके एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बाद में जो मीन कैलकुलेट करने के लिए भी आपको जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको वेरिएबल्स के नामों का थोड़ा पता हो। तो यहाँ जो आपने क्लास इंटरवल लिखा है इसी इंटरवल में से आपने क्या क्लास बाउंड्री जो है वो बनानी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 40 से 49 तक वैल्यूज़ हैं 6। तो 40 से 49 तक का मतलब 40 भी शामिल हो गया, 49 भी शामिल हो गया, यानी ये आपके जो बाउंड्स हैं, जो लिमिट्स हैं इनकी, ये इंक्लूडेड लिमिट्स हैं, ये इंक्लूडेड पैरामीटर्स हैं जो कि 40 और 49 दोनों उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी 40 से फ्रॉम 40 अप टू 49। तो अब इसके लिए आपने क्या करना होगा, आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लाने के लिए आप बाउंड्री का सहारा लेंगे, जिसको आप क्लास बाउंड्री कह रहे हैं। तो इसमें अगर आप बिलफर्ज 0.5 यूनिट पीछे हटा दें, यानी 39.5 लिखें, तो ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट हो जाएगी, बाउंड्री की बाहर वाली लिमिट हो जाएगी, और फिर 49 शामिल हो रहा था तो 49.5 बाहर वाली लिमिट आप शो कर रहे हैं। फिर 49.5 से फर्दर आप जो है वो वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो इसी तरह आप ये बाउंड्री का कॉलम बना लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने क्योंकि अगर आपको मेडियन मालूम करना है, क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है ऊपर देखें, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसमें आप मोड मालूम कर रहे हैं। तो जब मोड मालूम करना हो तो आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि मोड का मतलब ही क्या है, यानी इनकरिंग डेटा जहाँ ज़्यादा हो, रिपीटिंग डेटा ज़्यादा हो, तो उस नंबर को आप मोड तस्वर करते थे। तो इसमें आप देखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही आपको बता रही है कि डेटा जो है वो रिपीट हो रही है, कि 70 से लेकर 79 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मॉडल फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे, और ये पूरे ग्रुप को आप नाम दे देंगे मॉडल ग्रुप, ये मॉडल या मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास विल बी दैट हुज फ्रीक्वेंसी इज लार्जर। तो
तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी FM जिसको आप लिख रहे हैं, यानी ये मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज़ 14, और लोअर बाउंड्री 69, इसके रेस्पेक्टिव में जो बाउंड्री लिमिट्स लिखी हुई हैं आपके सामने हैं 49.5, यानी इसको आप 69.5 ये वैल्यू है, और ये आपकी L1 है लोअर बाउंड्री, और ये अपर बाउंड्री होगी। तो इसी तरह आपके पास ये लोअर बाउंड्री आ गई और ये अपर बाउंड्री आ गई, और फिर फर्दर आप जो है वो L2 को आप अपर बाउंड्री कह रहे हैं, और इसी तरह फिर साइज़ ऑफ इंटरवेल जो होगा, ये साइज़ ऑफ इंटरवेल इनका 10 यूनिट है, आप डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का, यानी L2 - L1, यानी साइज़ ऑफ क्लास जो था इसको आप क्या कह रहे हैं, H से शो कर रहे हैं, और इसको आप साइज़ ऑफ मोड भी कह सकते हैं। तो इसी तरह फिर आप F1 क्या होगा, F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जो आपकी मॉडल फ्रीक्वेंसी थी इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 जो है वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी जो कि आगे सामने आ रही है। तो ये इन दोनों का आपने मतलब F1 लिखा और दूसरे को आपने F2 लिखा, यानी सक्सीडिंग को जो बाद में आ रही है इसको आपने F2 लिखा। ये देख लें ज़रा इसमें कि आपके पास F1 फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, F1 ये होगी, और F2 कौन सी होगी, ये होगी, यानी इसको आप नाम दे रहे हैं F1, और ये है F2, और ये कौन सी आपके बाउंड्री की L1 कौन सी हुई, बाउंड्री लिमिट जो है वो आपने जो लेनी होगी वो ये लेनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसी इसी क्लास से रिलेटेड थी, तो इसी क्लास से जब रिलेटेड है 14 मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई, और F1 प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी हुई, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हुई, और L1 और L2 ये जो है आपके पास बाउंड्री की जो लिमिट्स आपको मिली हुई थी ये आपने लिखी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसमें ये तमाम चीज़ें समझने के बाद आपने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला क्या है, लोअर बाउंड्री की वैल्यू आपने लिखनी होगी प्लस फिर डिफरेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी में से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फिर इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2 times मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों को माइनस कर देंगे, और फिर इसकी जो रिज़ल्ट आती है उसको आप क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह कैलकुलेट, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, और ये कैलकुलेट किया आपने एंड यू गॉट द रिजल्ट। ये आपके पास इसके रिजल्ट जाकर मिली आपको कौन सी, ये आपने लिखा 69.5 और 14 - 12, और ये 2 times 14 - 12 - 7 एंड इंटू 10, और इसको आपने कैलकुलेट किया, और फाइनली यू गॉट 71.7। ये आपका रहा मोड, यानी मोड जो आपने कैलकुलेट किया है, मोड इज 71.7। तो इसी तरह आप इसमें जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिली हुई होंगी, जब आपको मोड मालूम करना है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी सबसे पहले तो आपने ये तसव्वुर करना होगा, ज़हन में बिठाना होगा कि आपके पास आए, एक दफ़ा मैं फिर मैं लिखूं, आपने लिखा मोड, इसका जो फार्मूला है लोअर बाउंड्री यानी जो आपको दी हुई होगी, प्लस फिर फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 times मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ रेंज। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड वेरी इजीली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड जब भी आपको ग्रुप डेटा मिली हुई हो। तो आपने इस फार्मूला को ज़रा जहन में रखना होगा, बज़ोकत फार्मूला की शक्ल जो है वो डिफरेंट तरीके से भी लिखी जाती है, तो उसमें आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि एच आगे दिया जाता है, या बज़ोकत एच को जो है यूँ भी लिखा जाता है, यानी आपके पास L1 प्लस
एफ एम माइनस एफ वन और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम चीज़ है। इसी तरह एल प्लस एच और ये एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ये अगर इस तरीके से लिखा जाए तो भी एक ही चीज़ है। ये फार्मूला जो है वो आप समझ लिया आपने, उम्मीद है आप इसे यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो फर्दर आप सवाल हल करेंगे। स्टूडेंट्स आए, अब चलते हैं हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आपको अगर ये मेडियन मालूम करने के लिए कहा जाए तो मेडियन के लिए आपको इसने क्लास दी हुई है और बाद में फ्रीक्वेंसी भी दी है और फिर आपने बाउंड्री खुद बना ली। ये बाउंड्री वाली टेबल पिछले तरीके में आपने आपको मैंने समझा लिया था, तो आपने क्लास इंटरवल जो मिला होगा उसमें से क्लास बाउंड्री मॉड्यूलेट कर देंगे पहली फुर्सत में। और अगर क्लास बाउंड्री आप नहीं करते तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स में फ़र्क आ सकता है, तो बेहतर है कि क्लास बाउंड्री आप बना लें। तो इस तरह फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो मेडियन आपको मालूम करना है। तो इसके साथ टेबल में एक चीज़ आपने और पढ़ाई है कि फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने देखा कि मोड में आपने जो टेबल में बनाया था वो सिर्फ दो ही चीज़ें रखी हैं, एक तो बाउंड्री और दूसरी फ्रीक्वेंसी। बस इंटरवल रखा, इंटरवल को आपने मॉड्यूलेट किया बाउंड्री में से और बाद में आपने फ्रीक्वेंसी लिखी। लेकिन यहाँ पर एक कॉलम आपने और बढ़ाना है, वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओगायु कहते हैं। यानी असल में इसमें क्यूमुलेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी की, जमा करते जाएंगे। ये जैसे पहले में टू है, बाद में फिर फाइव है, तो ये हो गया सेवन, फिर इलेवन है, ये हो गया एटीन, और इसी तरह ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब सबसे पहले जो आपने करना है मेडियन मालूम करने के लिए, जो चीज़ स्टूडेंट्स आप के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि आपने ये देखना होगा कि मिड वैल्यू इसकी है कौन सी। तो मेडियन मालूम करने के लिए आपने लिखा n प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू, तो ये आपके पास n की वैल्यू क्या थी, 44 डिवाइडेड बाय टू, यानी ये 22nd जो वैल्यू होगी ये आपका मेडियन बनेगा। अब 22 किस में एग्जिस्ट कर रहा है आपने देखना होगा, 22nd वैल्यू एग्जिस्ट इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको एग्जिस्ट इसका आपने ढूंढना कहाँ होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 22nd जो मतलब वैल्यू है वो इसके अंदर आ रही है। या इसमें मेडियन मालूम करने के लिए n प्लस वन भी आप लिख सकते हैं, n प्लस वन बाय टू, यानी ये 45 बाय टू, तो ये हो जाएगा 22.5, यानी ये आपकी वैल्यू। आपको ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, किस में, 32 के अंदर आ रही है, क्योंकि पीछे वाली जो प्रिसीडिंग वैल्यू थी वो 18 थी, 18 कम है, 22 ज़्यादा है, तो उसका मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इससे आपको ये पता चला कि मेडियन ग्रुप कौन सा है, यानी फौरन आपने जहाँ क्यूमुलेटिव वाली साइड में पूरे सीधे आपने चले जाना होगा, और ये जो लाइन है, लाइन जो एरो आप शो कर रहे हैं, तो ये एरो आपको बता रहा है कि ये मेडियन क्लास है कौन सा, ये जो है वो मेडियन क्लास है, ठीक है, या मेडियन ग्रुप है। अब ये मेडियन जो ग्रुप है इसके अंदर इसकी बाउंड्री कौन सी है, 164 पॉइंट ये बाउंड्री हो गई,
ये बाउंड्रीज मिली हुई हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, और अब आपने क्या करना है, फर्दर फार्मूला में जाना है। तो फार्मूला क्या था मेडियन मालूम करने का, मेडियन की स्टूडेंट सिंबल जो होती है वो आपने जहन में रखना होगा कि मीन की ये सिंबल होती है, ऊपर बार दे देंगे, मेडियन जब भी मालूम करना है तो ये सिंबल दे देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर देख रहे हैं साइनोसाइडल सिंबल, ये मेडियन के लिए इस्तेमाल होती है, ये इसका मतलब मेडियन, और ये होगा मीन, बार दे देंगे ऊपर मीन। तो इसी तरह आपने यहाँ पर एक्स के ऊपर ये निशानी शो कर दी, और अब एल प्लस एच अपान एफ, स्टूडेंट्स इसमें ये एफ एम होगा मेडियन की फ्रीक्वेंसी, यानी एल प्लस एच अपान एफ एंड सम ऑफ एफ बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसमें लोअर क्लास आपको दी हुई थी और एच साइज दी हुई थी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी 14 है, और ये भी आपको आपने लोकेट कर ली थी फ्रीक्वेंसी फोर, कौन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 14 कौन सी है, जो कि क्यूमुलेटिव के बिल्कुल सामने है, यानी जो एग्जैक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव के सामने ये फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी को आप नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो भी हो इसकी वैल्यू, इस मैक्सिमम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको आप मेडियन फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं। तो ये आपने लिखा 10/14, और फिर सम ऑफ एफ कितना है आपके पास, 44 आया, 44 डिवाइडेड बाय 222 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है, तो वो आपने माइनस करनी होगी, और इस तरह आप इनको जो है वो कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मेडियन। ये मेडियन आपको 167.35 मिला इस तरह इनको कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट्स आप इसका अपना जो है वो कोई इस तरह का सवाल बनाकर पहले जो प्रैक्टिकली उसका मेडियन आप कैलकुलेट कर लें, और बाद में आप बिलफर्स में आपको सवाल देता हूँ ताकि आप वेरीफाई भी कर लें, अपने तौर पर इसको वेरीफाई कर लें कि इसकी कैलकुलेशन क्या मिलती है। तो ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वैल्यूज़ हैं 2, 2, 3 and 3, 4, 4, 4 and 4, 5। ये नंबर्स हैं, इनका आपने सबसे पहले इनकी बाउंड्री बनानी होगी, क्लास इंटरवल बनाना होगा, फिर क्लास बाउंड्री बनानी होगी, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। तो फ्रीक्वेंसी आपको क्योंकि रिपीटिशन आ रही है तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस तरह आप इसमें से इसका प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे मेडियन क्या आना चाहिए। वैसे मेडियन क्या आना चाहिए, 4 नंबर्स इस तरफ हैं और फिर 4 नंबर्स ये हैं, ये 4 आ रहा है बीच में, यानी इसका जो मेडियन आना चाहिए वो 4 ही आना चाहिए। ये आपके पास कैलकुलेट हो गया, वैसे ही मेडियन को आपने लोकेट कर लिया कि मेडियन इज 4। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी जो बनानी होगी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी, और ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा। तो आप चेक करेंगे, देखेंगे योर वैल्यूज़ विल बी सेम, यानी यहाँ 4 जवाब आ रहा है, तो आप उसमें भी जो कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट, यानी ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको तस्दीक और इत्मीनान हो जाएगा कि ये फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी से ही आपने ये डिटरमिन किया है, और साइज़ ऑफ इंटरवेल जो है वो भी डिपेंड कर रहा है कि कितना साइज़ इसका था बाउंड्री के साइज़ की, और फिर लोअर बाउंड्री क्या थी, लिमिट क्या थी, वो भी आपने शामिल की, और इस तरह आप इस फार्मूला को पुट करके वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल तरीके का इस्तेमाल करके आप स्टेटस को बिल्कुल एक इंतहाई मुनज़म तरीके से सीख और समझ सकते हैं। उम्मीद है आप फॉलो करेंगे।